महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। बुलढाणा में एक बस में आग लगने से 25 यात्रियों की मौत हो गई है। ये बस नागपुर से पुणे जा रही थी, रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गई। वहीं पुलिस ने बताया है कि निजी ट्रेवल्स की बस नागपुर से पुणे जा रही थी, तभी बुलढाणा जिले के सिंधखेड़ राजा के पास देर रात करीब 1:30 बजे वो डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद बस में सवार 25 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। इसके साथ ही दुर्घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि घायलों का इलाज बुलढाणा सिविल अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने बताया है कि बस ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया गया। वहीं इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि दुर्घटना में मरने वालों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने बस हादसे पर दुख जताया है। पार्टी ने ट्वीट कर कहा, दुखद महाराष्ट्र के बुलढाणा में बस हादसे में 25 लोगों की असमय मृत्यु हो गई। ये बेहद दुखद घटना है।